बोली जाती है ना, मतलब ट्रेलर में मैंने देखा और सीरीज भी पहले देखा, तो एक लाइन बोली जाती है एक एपिसोड में कि अच्छाई भी बुराई को जन्म देती है, तो मतलब भगवान ने ही दानव बनाया और मैं तो सिर्फ एक क्रम हूँ। तो लिटरली काफी अच्छी लाइन्स को डिकोड किया जाए तो सही बात क्या आ गया कि अगर दानव की हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इन्हें किन्होंने बनाया, इन्होंने भगवान ने बनाया, तो अच्छाई भी एक बुराई को जन्म देती है। उस तरह से मुंबई पर राज करने के लिए एक पुलिस वाला ही का ही बेटा फाइनलर डॉन बनता है। तो इवेंचुअली उनको पता होता है कि कहां से पावर जनरेट हो रही है, बिकॉज पुलिस हैव अ डिफरेंट एंगल टू सर्च द पावर ऑफ द रियलिटी टच। तो वहां से जब वो टच पावर जनरेट हो रही है तो वहीं से एक क्राइम भी जनरेट हो रहा है। मुंबई मेरी जान की ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग था भाई, काफी ज्यादा मतलब जो एक्टिंग लेवल था ना के मैंने उनका, वो एक सबसे पावरफुल वर्धन इसमें दिखाई गया। स्टोरी लाइन की स्केच काफी इंटरेस्टिंग दिखाई गई है और मतलब आप जीत नहीं सकते कि इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए एफर्टलेस, इम्प्रेसिवनेस और सबसे बड़ा इम्पैक्टफुलनेस कैसा लगता है, मतलब टू दी पॉइंट हिट करते हुए कंटेंट कैसा लगता है कमेंट करके जो बताइएगा भाई। लिटरली के मेनन का मैं फैन हो गया, कृतिका मेनन का एक स्ट्राइक जहां पर उन्होंने एक लाइन बोला कि दिस बैंक्स विद अ हिस्टोरिकल, हिंदी में आप देखो से रिकॉर्ड करके नीचे कमेंट करना है कि मैंने क्या कहा। और बस मिलते हैं टिल द बाय भाई, मुंबई मेरी जान का ये ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग और सीरीज उससे भी पावरफुल लगा दिखा रहा है, बताएगा सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं टिल द बाय।